धूमल के घर सुजानपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 2019 लोकसभा चुनावों का विगुल बजा दिया है और लोकसभा चुनावों के लिए सुजानपुर से संकनाद कर कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कांग्रेस संविधान के अनुसार चुनाव में काम करने के लिए आह्वान किया है। सुजानपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। विधायक सुजानपुर राजेंद्र राणा, सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, विधायक राकेश कालिया, पूर्व विधायक बंबर ठाकुर, युवा नेता अभिषेक राणा ने मुख्य अतिथि वीरभद्र सिंह को तलवार और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर करीब 2 दर्जन लोगों ने कांग्रेस का दामन भी थामा। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनावों में गलत टिकट आवंटन का खामियाजा पूरी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा है और इसीलिए हमें आज विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए और पहले ही गलतियों को दूर करना होगा, तभी लोकसभा चुनावों में जीत मिलेगी। वीरभद्र सिंह ने 2 टूक शब्दों में कहा कि जो हुआ सो हुआ, अब इसकी पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी में नए खून को मौका मिलना चाहिए और कांग्रेस संविधान के अनुसार ही काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए, तभी चुनावों में फल मिल सकेगा। मैं समझता हूँ ये बड़े पैमाने के पर जो है वो टिकट ले जाते हैं, मगर उसका खमियाजा किसने भुगता है? वो पार्टी ने भुगता है, जनता ने भुगता है, और हमें जो है विपक्ष में जाना पड़ा। इस रसोई में खाना बनाने के लिए एक ही जगह पर 10 बार बावर्ची लग जाए और अपने अपने तरीके से मसाले डाले तो खाना स्वादिष्ट हो सकता है, सेहतमंद हो सकता है। ये राजनीति में तो ये भी कहा जाता हूँ जो हुआ सो हुआ। अभी हमें इसको कहूँ विस्तार से इसके ऊपर पूरी पुस्तक लिख सकता हूँ, मगर मैं अभी इस बात को नहीं कहना चाहता। हमें अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए। जो गलतियाँ अभी हुई है या कभी और पहले हुई है उनसे दूर रहना है, बच्चों को उससे दूर रहना है। और हमारे से यही की लक्ष्य होना चाहिए कि हमें जीतना है। वो तभी संभव है जब हर पल हल्के के अंदर सबसे उपयुक्त इतने वादा करने के हो, चाहे वो हमें पसंद है कि नहीं है, चाहे वो शक्कर हमको पसंद है कि नहीं रहती है, उसको आगे जाना है, तभी जाके जीत होती है। अरे फौज के अंदर हम सबसे अच्छी बेहतरीन टुकड़ी को दुश्मन के सामने मुकाबले में पेश करते हैं कि जीत सकती है, तो इसलिए ये काम हुआ जो हुआ सो हुआ। अभी अभी इसको पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है। मैं जो कानून को तोड़कर सत्ता में बैठे हुए हैं वो भी पसंद करेंगे, अगर पार्टी को मजबूत करना है, उसका नया खून लाना है, इसको सक्षम बनाना है, इसको ज्यादा जो है वो व्यापी बनाना है, तो हमें जो कांग्रेस पार्टी का संविधान है उसके मुताबिक हमें चुनाव होने चाहिए और तब जाके ही पार्टी के अंदर समय समय पर नया खून नया विचार धारा जो है प्रवेश करें। ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे और मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर ये हमारी कमजोरी है। मैं नहीं कहता कि दूसरी पार्टियाँ जो है राजनीति में उन्हें भी भरपाई पैदा करनी है, लगभग उन्होंने भी मनोनीत करने की जो पद्धति है वो पैदा हो सकती है, मगर आज कांग्रेस को वापिस जाना है उस तारीख में। इस तारीख में कांग्रेस पार्टी का पहला सेशन हुआ था और उस तरह जो है राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर और जिला स्तर और ब्लॉक स्तर की जो संस्थाएं थी उनका जन्म हुआ।
विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि जनता ने 2014 में मुझे भी हराया था, लेकिन हारने के दूसरे दिन ही लोगों की सेवा शुरू कर दी थी, जिसका फल आज मुझे मिला है। उन्होंने कहा कि आज सुजानपुर की जनता के हजारों लोगों ने समर्थन जुटाया है। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी सरकार सुजानपुर के विकास कार्य रोक रही है और तबादले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेलदारों तक को नहीं बख्शा जा रहा है। रोकने के लिए लगा रहे हैं, जोर लगाओ। अगर इससे आपका भला होने वाला है तो और जोर लगाओ। परंतु सुजानपुर की जनता बड़ी नजर गड़ा के देख रही है कि क्या हो रहा है, बीच वे खबर नहीं है। सुजानपुर के काम रुके जा रहे हैं, अधिकारियों को फोन करके कहा जा रहा है कि काम नहीं होने चाहिए। सुजानपुर की जनता ने गलत फैसला कर दिया, इसलिए इनको तंग किया जाना चाहिए, यहां के लोगों के तबादले किए जाने चाहिए। छोटे से छोटा व्यक्ति जो बेलदार है, आईपीएच में हेल्पर का काम करता है, उसके भी तबादले किए जा रहे हैं। अगर राजेंद्र राणा का कोई परिवार का कोई दूर पार का रिश्तेदार ढूंढ जा रहे हैं, कोई दूर का कोई मित्र ठेकेदारी करता है तो विभाग में फोन जा रहे हैं कि इनकी पेमेंट है, रोक दो, इनको काम नहीं मिलना चाहिए। मित्रों, जैसा दीजोगे वैसा काटोगे। हमने 5 साल ना बीजेपी की ना कांग्रेस की, हमने जनता की सेवा की है। परंतु जैसे इंद्रदत्त लखनपाल जी चर्चा कर रहे थे, मैंने इंटरव्यू मेरा इसमें न्यूज 18 में भी पूछ रहे थे, कहते जी लीडर ऑफ अपोजिशन का भाई मुकेश अग्निहोत्री जी को दर्जा नहीं दिया। मैं क्या, 2022 आने वाला है, कितनी आएंगी ये भी मेरे से पूछ लेना। जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। आज जो बर्तन आप लोग डालोगे वो 4.25 साल बाद मूल के साथ ब्याज के साथ लुटा देंगे। हमारे कहावत है, बोलिया जेड़ा कर देने नहीं करे तेरा भी घर